डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज करंट अफेयर के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में किसे कोच गोल्डन जुबली चैलेंजर पुरस्कार मिला? तो इन्हें मिला मिस्टर सुरेश प्रभु को। लेकिन ये कोच गोल्डन जुबली चैलेंज अवार्ड क्या है? हम इस पिक को देखने के लिए बोलेंगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा खाली बोल दूं, ये यहीं की एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये हाथ में देख रहे हैं मोदी नोमिक्स ये पुरस्कार। ये मतलब हमारे देश के ही एक संस्था है जो इस पुरस्कार को दिया है मिस्टर सुरेश प्रभु को। ये 55वां मतलब है कि पुरस्कार है, लेकिन ये एक प्राइवेट क्या बोलूंगा संस्था द्वारा है, ये कोई इंटरनेशनल वैसे चीजों का नहीं है। और सच पूछिए तो बहुत ही ज्यादा ये जो है हमारे प्रधानमंत्री के प्रशंसक रहे हैं और बहुत सारे चीजों में बस और कुछ नहीं बोलूंगा, बस इसके लिए ये पुरस्कार पर थोड़ा सा सवाल या निशान मेरे को लगता है। अब दूसरा है, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और अन्य रक्त अनुवंशिक विकार के उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है का उद्घाटन किया, आज ही हुआ है। पहले जान लीजिए ये तेलंगाना के करीमनगर में है। ये बेसिकली एक हॉस्पिटल है और साथ साथ में एक रिसर्च सेंटर भी है। और सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? देखिए, एनीमिया तो रक्ताल्पता के लिए होता है जब खून की कमी होती है, लेकिन ये क्या है कि इसमें सिकल सेल जो होता है ये कोष जो खुद ब खुद माने रक्त के जो कोशिकाएं हैं इनके मौत हो जाती है और ये एक जेनेटिक डिजीज है, मतलब आनुवंशिक विकार है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक चलता है। और रूरल इंडिया में बहुत सारे लोग इस तरह की बीमारी से त्रस्त हैं। तो इसके लिए आज इस तेलंगाना के करीमनगर में हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट थे, तेलंगाना के ऑनरेबल गवर्नर थे श्री मोहम्मद महमूद अली जी थे और महाराष्ट्र के आपके गवर्नर थे। तो ये इंस्टीट्यूट पे का इन्होंने उद्घाटन किया, इसमें पहला वो सेल बना सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया का। और इनका जो क्या कहते हैं सोच है कि गांव तक इनकी सुविधा पहुंचे, तो इसके लिए जो है ये सही में प्रशंसा के पात्र है। चलिए अब अगले न्यूज पे चलते हैं। ये एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, क्योंकि मैंने फ्रंट पेज पे लगाया इसलिए दिया। मैं जानता हूं कि आप हर कोई जानते होंगे जहाज रानी या शिपिंग के जो है वर्तमान मंत्री हैं वो नितिन जयराम गडकरी जी हैं। जो चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। कभी कभी होता है कि सवालों की बहुत कमी हो जाती है, क्योंकि मैं हर दिन का न्यूज करता हूं तो उस हर दिन के न्यूज में ऐसा कुछ नहीं रहता है जिसमें वस्तुनिष्ठ सवालों को बनाया जा सके। लेकिन इंफॉर्मेशन को आप अवॉइड नहीं कर सकते, उस न्यूज को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो उस न्यूज से आपको इंतजार करना पड़ता है कि उससे आपके उस तरह के सवाल जो परीक्षा की दृष्टि में महत्वपूर्ण है वो हो सके। लेकिन साथ ही साथ उन न्यूज पर उन समाचार पर हमें नजर भी बनाए रखना होता है। तो चलिए एक एक करके वैसे न्यूज को हम देखें। पहला जो है वस्तु और सेवा कर परिषद की नई दिल्ली में बैठक चल रही है और शाम तक तो बैठक खत्म हो चुकी, लेकिन यह जानने को नहीं आया कि किस किस वस्तु में 28% से रेट घटाकर 18% हो गया है।
ऐसे तो न्यूज तो आ चुका है, लेकिन वो कंप्लीटली जो था है कंफर्म न्यूज था नहीं था। तो पहले जो हमारे जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम जानते हैं कि उन्हीं की बात का तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि 28% जो भी जीएसटी लगे हुए थे जिससे इस 4 सालों में आलोचना हो रही थी, क्योंकि शायद इलेक्शन नजदीक आ चुका है इसके लिए उसमें जितने भी वस्तु थे उसके 1% को खाली 28% में रखा गया है और नहीं तो सबको 18% के अंदर में कर दिया गया है। एक बात मुझे समझ में नहीं आता, जब इसकी पूरा विरोध हो रहा था, जब हर कोई बोल रहा था कि 28% नहीं होना चाहिए, अब इलेक्शन के पहले ऐसे क्यों होता है? लेकिन हो रहा है, कल इसके ऊपर हमारे पास फुल इंफॉर्मेशन आ जाए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ जाएगा, तो उससे जो है आगे चल के हम सवाल जवाब की तरह भी उसे देख पाएंगे। अब दूसरे न्यूज पे चलते हैं। अभी जो हमने देखा जहां पर करीमनगर में जो राष्ट्रपति जो आधुनिक चिकित्सा सेवा की जो सिकल सेल एनीमिया के जो इसको उन्होंने उद्बोधन किया था प्रतिमा को, तो वहां पे उन्होंने कहा था कि आयुष्मान भारत जो कार्यक्रम है वो एक वरदान है। देखिए, इस आयुष्मान भारत के ऊपर, इस प्रोग्राम के ऊपर मैंने 2 बार इसके ऊपर हमने डिटेल्स आपके साथ शेयर किया है। एक चीज को जानेंगे कि आयुष्मान भारत जो है ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, ठीक है ना, और एक तरीके से देखा जाए तो इसमें देश के जो भारतीय मतलब सरकारी जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो इसके साथ युक्त हैं और सही में एक अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। अब हम अगले न्यूज पे आते हैं। आज प्रधानमंत्री जो पुलिस महानिदेशकों और राज्य पुलिस के प्रमुखों का जो 3 दिवस का सम्मेलन था, जो आपके नर्मदा के सामने यूनिटी ऑफ स्टैचू के ऊपर के पास हो रहा था, आज उसके अंतिम दिन में उन्हें एक डाक टिकट जारी करना था जिसका अभी तक फुल इंफॉर्मेशन नहीं आया है। इसके साथ उन्हें समन्वय केंद्र पर एक पोर्टल भी जारी करने की बात हुई थी और कुछ आईजी अफसरों को उनके उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस चक्र का प्रदान करना था। निस्संदेह ये इंफॉर्मेशन कल अवेलेबल हो जाएगा, तो जिसके ऊपर से हम कुछ सवालों को भी बना पाएंगे और आपके साथ शेयर कर पाएंगे। तो चलिए यहां से इस इंफॉर्मेशन से आगे निकलते हैं। अब आता है कि नेक्स्ट न्यूज जो है वो है पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री राजीव प्रताप रूड़ी जो है वो राष्ट्रीय प्रवक्ता बने हैं भारतीय जनता पार्टी का। श्री रूड़ी बिहार के सारण निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं। देखिए, ये एक न्यूज की तरह तो सही है, लेकिन इसके ऊपर आप अगर सोचते हैं कि एग्जाम पे सवाल आएंगे तो आने की संभावना कम है, लेकिन इनका कुछ ऐसा वक्तव्य या कुछ इस तरह की चीजें हो जाती है कि तो सवाल आने का कोई क्रम रहता है। तो इसके लिए खाली हम इसे चीज को जान के ही रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जो है हमारे मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं, उन्होंने आज मुंबई में हुनर हाट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। निस्संदेह हुनर हाट के ऊपर सवाल आने वाला है और कल के क्लास में हम इसके ऊपर सवाल को देखेंगे, हुनर हाट के बारे में जानेंगे। उन्होंने कहा कि कुशल कामगारों और दस्तकारों के रोजगार के लिए अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, हुनर हाट उसी का हिस्सा है। तो कल इसके ऊपर सवाल हम जरूर कवर करेंगे और इस आज जो हुनर हाट की इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उन्होंने भी इसका उद्घाटन किया। तो ये मुंबई में हुनर हाट प्रदर्शनी हुआ था, इसे जरा याद रखेंगे। और इस प्रदर्शनी में किनको हम रोजगार का अवसर देते हैं? कुशल कामगार और दस्तकारों के द्वारा को। लेकिन एक सवाल होता है कैसे देते हैं, तो कल उसके डिटेल्स में और कुछ जाएंगे। भारत 2030 पुस्तक का विमोचन किया गया है।
अब इलेक्शन आ गया है। देखिए लंदन के एक स्वतंत्र थिंक टैंक लेगाटम इंस्टीट्यूट, ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, जिस अभी जैसे हमने स्कॉच आपका पुरस्कार की बात की, ये 2030 की इस पुस्तक का विमोचन किया गया है, जिसमें बोला गया है 2030 तक में सारे डेवलपिंग कंट्रीज को छोड़ के दुनिया का प्रमुख आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। इस आर्थिक महाशक्ति का कभी भी ये अर्थ नहीं है कि अब काफी विकास हो जाएगा, नहीं, यहां पे है कुछ लोगों के पैसे, आपको पता होना चाहिए कि बाजार के रूप में हम बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज के भी आगे हैं बाजार के रूप में, ठीक है ना, क्योंकि हमारी जनसंख्या चाह काफी ज्यादा है और हम चाइना जैसे नहीं हैं, तो हमारे पास लोग आके कुछ चीज बेच के जाते हैं, ठीक है ना, तो उस तरह से हम एक आर्थिक महाशक्ति हैं। जबकि हमारी आर्थिक महाशक्ति का कल का एक हमने आलोचना किया था कि 9,00,000 करोड़ से ऊपर बैंकों का कर्जा डूब रहा है, सरकार को 85,000 करोड़ रुपए किसी तरह निकाल के बैंक को बचाने की कोशिश किया जा रहा है। हमारे किसान आपके जो है, आप जान रहे हैं कि क्या कहते हैं, सुसाइड ज्यादा के ज्यादा कर रहे हैं, ये कांग्रेस के टाइम से शुरू हुआ था, अब तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो किसानों की जो हालत है वो कभी भी हमें आर्थिक महाशक्ति को दिखाता नहीं है। तो इस तरह के जो किताब का विमोचन और ये, उसमें एक ही बात याद आता है, कभी मुझे किसी ने, और एक चूंकि एक प्रोफेसर की तरह मैं कहीं गया हुआ था एक सम्मेलन में, वहां पे एक चीज हमें समझाया गया कि अच्छा होना एक बात होता है, अच्छा मतलब होने का ढोल पीटने से जो अच्छा होता है, मैं इसको समझाने के लिए ऐसा करूंगा, क्या कॉलगेट सबसे अच्छी पेस्ट है, टूथपेस्ट है? निसंदेह नहीं है, लेकिन लोगों के विचार में कॉलगेट एक अच्छी टूथपेस्ट है, इसके लिए कॉलगेट ज्यादा बिकती है। तो कहने का मतलब है कि अच्छा होना एक चीज होता है और अच्छे होने का परसेप्शन होना, तो यही परसेप्शन शायद अभी सरकार क्रिएट कर रही है कि भारत 2030 में विश्व का प्रमुख आर्थिक महाशक्ति बनेगा। तो हमें देखो एग्जाम के लिए अगर यही सरकार रहेगी तो हमें ये सवाल आएंगे ही, हमें इसका जवाब देना भी होगा। तो हम एक जागरूक छात्र की तरह दोनों तरफ की चीजों को हम देख सकें, इसके लिए मैं छोटे भी चीजों को बोलता हूं। मैं किसी सरकार का आलोचक नहीं हूं, ना मैं किसी का, किसी दल का मैं ये हूं क्या कहते हैं प्रशंसक हूं, मैं तो खाली जो चीज मेरे सोच में सही लगता है और जिसका हम आकलन जब करते हैं, स्टेटिस्टिक्स जब हमारे सामने आता है, तो उस चीजों को आपके साथ मैं शेयर करता हूं। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी जो है देखिए, चौथी बार दिल्ली में प्रदूषण के कारण वायु की गुणवत्ता बहुत खराब है, कल हमें स्टेटिस्टिक्स मिल जाएगा कि क्या हाल था, और ये विश्व में आज दिल्ली का हालत जो है, कल के प्रदूषण, आज के प्रदूषण सॉरी, में विश्व में क्या रैंक है, ये थोड़ा सा जानना जरूरी है। और देखिए हमारे केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान पर्यावरण और वन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन क्या बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड के कमी लाने और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि करने का भारत के मॉडल को अन्य सभी देश अनुसरण कर रहे हैं, ये व्यक्ति दिल्ली से ही है। अब जरा अजीब सी हाल है, जिनकी दिल्ली, सरकार किसी की हो, जिनकी दिल्ली की ये विश्व में सबसे अगर गुणवत्ता खराब रहता है, उनके इस तरह के भाषणबाजी का क्या मतलब है? और वो कहां दे रहे हैं, हैदराबाद में आज अंतर्राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान अभियान प्रशिक्षण केंद्र के अटल परिसर का उद्घाटन करने के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन वैज्ञानिक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर पर्यावरण को लेकर चिंता को कम करने की दिशा में किए जाने के प्रयासों में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह बात सही है,
जो कि डेवलपिंग कंट्रीज में इंडिया का, भारत का हर वक्त एक शब्द रहता है, उनके बातों को कोई नकार नहीं सकता है। तो ये हमारी परिस्थिति है और पर्यावरण को लेके हम बराबर ही डेवलपिंग कंट्रीज के तरफ से हम आवाज उठाते रहे। ये अभी के नहीं, जब से इस पे बात चल रही है तब से हम उठा रहे हैं। लेकिन जहां चौथी बार दिल्ली की ये प्रदूषण की ये हालत है, कहीं नहीं लगता है कि हमारे केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान या जो डॉक्टर हर्षवर्धन को इस तरह का स्टेटमेंट। ये मेरी निजी सोच है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि मैं इन चीजों को क्यों बोलता हूं, क्योंकि शायद इस बात को आप सही लेते हैं या गलत लेते हैं, लेकिन दोनों ही हालत में आपके दिमाग में यह रहता है कि इस ठंडे में चौथी बार दिल्ली की जो प्रदूषण का स्तर जो है विश्व में सब बहुत ही खराब रहा और विश्व में 10 खराब पोजीशन में अपना एक रहा। कल स्टैटिस्टिक्स हमें मिलेगा। अब आपने बांग्लादेश की जो इलेक्शन होने वाली है वो 30 तारीख को होने वाली है और अमेरिका को गुस्सा है कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रेक्षकों, ये हमारे देश या कहीं पर भी जब इलेक्शन होता है तो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स जाते हैं और हम हर देश उन्हें वीजा देता है, क्योंकि वो यहां की इलेक्शंस को देख के विश्व को अपने स्तर पे बताते हैं कि इलेक्शन जो है कितना सही है। अब बांग्लादेश इस बार नहीं दे रहा है, तो ये चीज हमें जानना भी जरूरी है, क्या कि एक ये मैसेज के साथ इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए कि लास्ट में ये वहां बोलता है कि उनके जो वहां के जो स्वयं सेवी संगठन है जो इस तरह से चीजों से जुड़े हुए हैं, अमेरिका बोलता है यार मैं हमारे इधर से नहीं दे रहे हो वीजा, तो कम से कम उनको तो अलाउ करो कि वो अपने तरीके से आप कैसे चुनाव कर रहे हो उसकी रिपोर्ट पूरे विश्व को दे सके। तो एक चीज इसमें मेरे को बताने का था कि हर डेमोक्रेटिक कंट्री में जब इलेक्शंस होता है तो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स जाते ही हैं। अब अगले सवाल पे चलते हैं, मैसेज पे चलते हैं। चीन आज दुनिया भर में इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा को उपलब्ध कराने के लिए गूगल और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ स्पर्धा करने के लिए पहले संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया। पहले तो है कि आप जान लीजिए चीन ने गूगल को पहले चीन के जमीन से हटा दिया था, तो वहां पे वो अपने इंटरनेट ब्रॉडबैंड का सिस्टम चालू किया है। और तो अब ये क्या है कि क्यों, क्योंकि चीन की सरकार जो है बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है, वो अपने चीजों को कभी भी सबके साथ शेयर नहीं करना चाहती, वो उतना ही करना चाहती है जितना करती है। तो लेकिन अभी जो ये खुला इंफॉर्मेशन का दौर है उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चीन को है। तो चीन जो है अपनी एक गूगल टाइप की एक ये बनाने की कोशिश में है और ऑलरेडी ये नहीं है, 10 साल हो चुके हैं कि चीन की ये कोशिश है। अभी अपना वो संचार उपग्रह भी भेजा हुआ है कि जिससे वो अपने जो इस ब्रॉडबैंड को पूरे विश्व में फैला सके। इस पे जरूर सवाल बनता था, चौथी प्रीमियर बैडमिंटन लीग आज मुंबई से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में ओलंपिक और विश्व चैंपियन स्पेन की कैरोलिना मारिन और ओलंपिक रजत पदक विजेता पीवी सिंधु सहित कई शीर्ष खिलाड़ी भाग लेंगे। इसमें 9 टीम हिस्सा लेगी, 17 देश के 90 खिलाड़ी होंगे। शुरुआती मुकाबला हैदराबाद हंटर्स और पुणे 7X के बीच होगा। तो आज की जो इन्फॉर्मेशन थे आप भी देखे होंगे कि ये इन्फॉर्मेशन वैसे नहीं थे, एक दो को छोड़ के, जिससे आपके सवाल की लड़ी बन सके। तो इनके लिए कल हम इनके ऊपर जो सवाल बनेंगे उसे हम फिर से एक बार देख लेंगे, तो हमारी रिवीजन हो जाएगा और कल के इन्फॉर्मेशन के ऊपर तो जो सवाल हैं आने हैं वो आएंगे। तो चलिए आज के लिए विदा दीजिए, आपने साथ दिया इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।